अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भटोरे। तो देखिए, हमारे पास ये आधा किलो मैदा है और ये एक कटोरी हमारे पास दही है। तो सबसे पहले हम एक शीन ले लेंगे और इसमें हम ये दही डाल देंगे और इस पर हम एक टीस्पून नमक डालेंगे, एक टीस्पून हम शक्कर डालेंगे और हम बहुत ज़रा सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसमें हम बहुत ज़रा सा पानी डाल देंगे और ये हाफ टी स्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे और ये हम इसमें मैदा मिक्स कर देंगे और ये मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम जो रेगुलर आटा गूंथते हैं रोज़ाना, तो इसी तरह हम ये आटे मैदे को भून लेंगे और हम धीरे धीरे पानी डालेंगे। हम एकदम पानी नहीं डालेंगे इसमें। देखिए, हमने मैदे को अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम इसका एक डो बना देंगे। इसे हम पंच लगाएंगे। देखिए, हमने इसका एक डो बना दिए और इसे हम ऑयल लगा देंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से ऑयल लगा दिए और इसे हम एक बाउल में रख देंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इसे 2 घंटे ढककर रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं हमने ये मैदे को रखते हुए और अब हम इसे, देखिए, ये बहुत अच्छे से खमीर भी आ चुका है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसे बहुत अच्छा खमीर आ चुका है और इसके हम जितने इसमें पेड़े बनेंगे, हम पहले इसके पूरे पेड़े बना लेंगे। हम इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए, मीडियम साइज़ के बनाएंगे, हम ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। और ये आज की रेसिपी हम हमारे सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बना रहे हैं और ये हमारे सब्सक्राइबर अश्मिरा है, उनकी फरमाइश थी कि हमें छोलों की नहीं सिर्फ भटोरों की रेसिपी बनाना बताए। तो देखिए, अश्मिरा, आपकी फरमाइश पे हम ये रेसिपी बना रहे हैं। देखिए, हमने सारे पेड़े बना लिए। अब हम इसे बेल लेंगे। देखिए, हमने कढ़ाई रखे और हमने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिए। अब इसे हम गरम होने देंगे जब तक हम ये भटोरों को बेल लेंगे। देखिए, हम एक भटोरा ले लेंगे और इसे हम मैदे के अंदर डस कर लेंगे और इसे मैदा ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही बार लगाना है। नहीं तो आप ज़्यादा मैदा लगाएंगे तो ये तलने में लाल पड़ जाएंगे। और इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम ही रखना है। मैं बताऊंगी आपको कितना मोटा रखना है इसे। देखिए, इसे इतना मोटा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। और देखिए, मैंने इतना इसे बड़ा रखी, आपको अगर इसे छोटा रखना है थोड़ा तो रख सकते। देखिए, हम इसे उठा लेंगे। देखिए, तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये भटोरे को डाल देंगे। देखिए, अब इसे अब हल्का सा इसे भटोरे के ऊपर हम इसे हल्का सा झारे को हम दबाएंगे तो ये अच्छी तरीके से फूलते रहेगा। अब इसकी साइड को हम पलटा देंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। देखिए, बस हमें इतना ही सुनहरा करना है, ज़्यादा हमें गोल्डन नहीं करना है। और अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसका हम सारा तेल निकाल लेंगे भटोरों के अंदर से। देखिए, इस तरीके से इसके अंदर तेल हो जाता है तो हम सारा तेल हम निकाल लेंगे। देखिए, हम इसे बटर पेपर पर रख देंगे और इसी तरह हम सारे बना लेंगे। देखिए, सारे भटोरे बनकर रेडी हो चुके हैं और अब हम इसे सर्व कर देंगे। देखिए,
देखिए भटोरे बनकर रेडी हो चुके हैं। और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ।